ऋषभ उवाच नायं देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अरहति वीर भुजांग तपो दिव्यंग पुत्र काजेन सत्यं शुद्धेत जस्माद् ब्रह्म सौख्यं तनंत। ऋषभ देव जो उपदेश दिया था उनके लड़कों को रिटायर करने का, पहले सब बड़े बड़े राजा लोग रिटायर कर, ये वैदिक सभ्यता, ये नहीं कि जब तक गोली से ना मार दिया जाए वो रिटायर नहीं करे, ये बात नहीं। एक समय रिटायर करने का है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो हिंदू धर्म का नाम से चलता है, ये शब्द जो हिंदू है ये कोई वैदिक भाषा में है नहीं। हमारा शास्त्र में जो है वो वर्णाश्रम धर्म, चार वर्ण और चार आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से जीवन सफल होता है, यही वैदिक सिद्धांत है। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परप्रमाण विष्णु आराध्यते पुंसां नान्नत्तत्तोषकार। यानी जो मनुष्य समाज का जो सभ्यता शुरू होती है वो वर्णाश्रम, वर्णाश्रम धर्म जब तक पालन नहीं करेगा तो वो समाज वो पशु समाज है, कोई मनुष्य समाज नहीं माना जाता। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परप्रमाण, ते वर्णाश्रम धर्म का अनुसार भगवान भगवद गीता में भी बताया है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणो कर्म विभाग। जो भगवान जो चीज बनाया है, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म का अनुसार, जन्म का अनुसार नहीं, वो कैसा आप उठा देंगे, उसको उठाने से फिर मनुष्य समाज ही नहीं रहेगा, पशु समाज हो जाएगा। तो महाराज ऋषभ देव जिनको हिंदू यानी वर्णाश्रम धर्मी जो है तो भागवत में मानते ही है, कल सुना जो जैन लोग भी मानते हैं ऋषभ देव को, आदि जैन, तो चाहे जैन हो हिंदू हो उनका जो उपदेश है वो सबके लिए, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो और क्रिश्चियन हो, क्योंकि भगवत उपदेश जो है वो सबके लिए है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो अन्न पैदा करने से चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो ये जो अन्न उत्पादन करना, सबको सुखी बनाना, ये हिंदू लोग के लिए भी है, मुसलमान के भी लिए है, जैन का भी लिए है, सबके लिए। तो भगवत वचन जो है, भगवान तो एक ही है और उनका जो वचन है वो सबके लिए है, ये नहीं है जो केवल हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं। ये जो मुसलमान का भगवान और हिंदू का भगवान, ये सब अलग अलग नहीं होता, भगवान तो एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय ना। जैसा सोना है, सोना हिंदू का पास रहने से क्या हिंदू सोना आ जाएगा और मुसलमान का पास क्या मुसलमान सोना हो जाए? सोना सोना, वो चाहे हिंदू का पास रहे और मुसलमान का पास रहे, जैन का पास रहे। इसी प्रकार धर्म जो है, धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म कोई सेक्टेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का सूत्र भागवत में बताया कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। जैसे राजा का कानून होता है वो क्या है, हिंदू के लिए होता है, मुसलमान के लिए होता है, क्रिश्चियन सबके लिए होता है। इसी प्रकार धर्म का जो सूत्र, जो कानून भगवान बना देता है वो सबके लिए है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि
कोई सेक्टेरियन कोई विशेष समाज के लिए देश के लिए पात्र के लिए नहीं सबके लिए तो धर्मंत साक्षात भगवत प्रणी। इधर भी ऋषभ देव जो कि भगवान का अवतार है वो अपने पुत्र को शिक्षण दे रहे हैं जो बेटा अयंग देह न अयंग देह देह भाजांग निलोके कष्टान कामान और हतिवीर भुजांग माने पुत्र ये जो शरीर है अयंग देह दिस बॉडी ये जो शरीर है मनुष्य शरीर शरीर सभी का होता है कुत्ता का भी होता है सुअर का भी होता है गधा का भी होता है और मनुष्य का भी होता है बाकी विशेष करके कहते हैं ये जो शरीर है अयंग देह दिस बॉडी ये शरीर कौन शरीर देह भाजांग निलोके निलोके मनुष्य समाज में जो शरीर है वो शरीर कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी बहुत कष्ट करके शरीर का जो चाहिदा है आहार निद्रा भयम हेतु चार चीज शरीर का चाहिदा है कुछ खाने के लिए चाहिए सोने का कुछ जगह होना चाहिए अपार्टमेंट और आहार निद्रा भय और भय से बचाने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए डिफेंस और मैथुन और इंद्रिय तत्व विशेष करके यौन संपत्ति ये चार चीज सबके लिए जरूरत है कुत्ता का भी जरूरत है और आदमी का भी जरूरत आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य तत्वी नारायण आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीज सबके लिए जरूरत है कुत्ता का शरीर है और मनुष्य का शरीर परंतु कुछ प्रभेद होना तो चाहिए मनुष्य शरीर और कुत्ता का शरीर तो वही बता रहे हैं जो अहंग देह देह भाजांग निलोके ये जो मनुष्य समाज में जो शरीर मिला है वो कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी वो जैसे सुअर कुकर दिन भर परिश्रम करके जो अपना जिस शरीर का जो चाहिदा है उसको मिटाते हैं मनुष्य शरीर में ये नहीं होना चाहिए मनुष्य शरीर में नहीं होना चाहिए इसीलिए मनुष्य शरीर में प्रकृति उनका जो टेंडेंसी है कि कुछ रुपया कमा करके स्थिर होकर के बैठ के उसको भोग करें ये कुत्ता शरीर और गधा शरीर और सुअर का शरीर में ये संभव नहीं है उनको तो जब तक जीवन रहेगा तब तक उसको परिश्रम करने पड़ेगा और तब उसका शरीर का जो चाहिदा मिलेगा इसलिए मना करते हैं जो अयंग देह ये जो विशेष शरीर है मनुष्य शरीर ये इतना परिश्रम करके शरीर का जो चाहिदा मिटाना है वो तो सुअर गधा के लिए है मनुष्य के लिए नहीं ये बता मनुष्य के लिए इतना परिश्रम करके केवल शरीर का चाहिदा मिटाना ये उचित नहीं है तो मनुष्य के लिए क्या उचित है बताते हैं तपो दिव्यम मनुष्य शरीर है तपस्या के लिए केवल परिश्रम करके दिन रात नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट और मरने का समय तक अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ एक परिश्रम करके इतना परिश्रम करके ये उचित नहीं मनुष्य शरीर कुछ तो समय केवल तपस्या करने के लिए वो रखना चाहिए इसलिए मनुष्य समाज में ये वर्णाश्रम धर्म का विचार है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास कम से कम शरीर छोड़ने का पहले वो वानप्रस्थ और सन्यास तो ग्रहण करे और तपस्या की जय जय श्री कृष्ण भक्ति दाता जय अभय चरणारविंद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण Oh
कृष्ण भक्ति रहित आत्मीय घात कुरूप अज्ञान रूप अंधेरी नरकीय जगत स्वरूप कृपा सिंधु श्री गुरु श्री कृष्ण प्रेम थापीत जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा अजर अमार मंगलमय उद्देश्य श्री गौरा स्वप्न साकार गाऊं गाऊं गली गली हरे कृष्ण नगर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरु